हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, हर रोज की तरह लेके आ गया फिर से मैं आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन इथेरियम और ऑल्टकॉइन मार्केट क्या का। तो दोस्तों, इसके अलावा आज मैं बात करूंगा टीथर के बारे में। टीथर का फंड शुरू हो गया आना, ये क्या है थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आज वीडियो के एंड में लूंगा FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। जो भी दिन भर में टेलीग्राम ग्रुप पे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, उनमें से कोई भी टॉप क्वेश्चन जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं रेंडमली चूज करके आपको आंसर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। क्यों? क्योंकि मैं डेली लेके आता हूँ मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा साथ ही साथ मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिग्नल भी देने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, और साथ ही साथ ट्रेडिंग कैसे करना है ये भी सिखा रहा हूँ। आने वाले दिनों में टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस भी दूंगा मैं आप लोगों को। तो सोच क्या रहे हो दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। एंड हाँ, इसके अलावा ना टेलीग्राम और ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लेना, और अगर मेरे साथ पर्सनल चैट करना हो तो फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले किए हुए चलते हैं सीधा चार्ट पे। चार्ट पे चलते हैं सीधा, हम चलेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। दोस्तों, अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको इस लेवल पे, जब बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल जब इस लेवल पे था, तभी मैंने आपसे कह दिया था कि बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल अब ये टेस्ट करता हुआ फॉल डाउन होता रहेगा। और देखिए क्या हुआ, बैक टू बैक 10 EMA टेस्ट कर रहा फेल हो रहा है, 10 EMA टेस्ट कर रहा फेल हो रहा है। अब जाके फाइनली 10 EMA फिर से टेस्ट कर रहा है, इवन दो ग्रीन लाइन बना, 20 EMA फेल हुआ, फिर से 10 EMA टेस्ट हो रहा है। तो जो लोग मुझे काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा मेरा टारगेट जो है बिटकॉइन डोमिनेंस का लगभग 63% का है। इस ब्रेकआउट के बाद इसका जो टारगेट लेवल है वो 63.86 लेवल है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ऑल सीजन आ जाएगा, जैसा मैं हर रोज आपको कहता हूँ। और कब आएगा? जब भी आएगा आपको मैं अपडेट दे दूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अब क्या हो रहा है, ये 10 EMA टेस्ट करके फेल क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि ये काफी महीनों का, काफी दिनों का ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इतने आसानी से नहीं तोड़ेगा, यहाँ से कहीं ना कहीं बाउंस बैक करेगा। और देखिए एग्जैक्टली वही हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे बाउंस बैक हो सकता है, और इसके बाद 10 EMA टेस्ट करेगा, 20 EMA टेस्ट करेगा। एंड अगर वहां से भी सक्सेसफुल क्रॉस हो जाता है, तो हमारा जो टारगेट है जो कि 67.41 के अराउंड में बना हुआ है, तो रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, तो वो टेस्ट जरूर करेगा। इन केस अगर इसे भी सक्सेसफुल कर पाता है, तो वो इस लेवल को जरूर टेस्ट करने जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये अभी फिलहाल 20 EMA को बहुत बहुत 20 EMA ने इसे बहुत हर्डल दिया है। एंड अगर मैं मैकडी और RSI की बात करूं, तो मैकडी ग्रीन में बना हुआ है, लेकिन अब ये वापस से व्हाइट सिग्नल हो रहा है और नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वहीं RSI की बात करूं, RSI अगर मैं देखूं तो काफी नीचे चला गया था परसों, और अब धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। तो क्या ये यहाँ से ऊपर जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो तो अभी मैं बताता हूँ मार्केट के ऊपर। लेकिन ये अगर जाएगा भी, अगर इसे ब्रेकआउट, अगर यहाँ से ये टेस्ट करके ऊपर चला भी जाता 20 EMA के साथ, तो इतना आसान नहीं होगा इस लेवल को टेस्ट करके ऊपर जाना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा पैटर्न शो करेगा एंड फिर से रिटेस्ट करेगा इस लेवल को। और इस लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा अगर हम इसे ब्रेक कर लेते हैं दोस्तों। ब्रेक करने के बाद इसे रिटेस्ट करके फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं मतलब नीचे की तरफ आ जाते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। तो वेलकम टू ऑल्ट सीजन। आपने जब देखा पिछले कुछ दिनों में, जब यहाँ से यहाँ नीचे गिरा है, इतने में ही लगभग 2% के डाउन में ही जो है हमारा ऑल्ट सीजन देखने को हमें मिला। कहीं ना कहीं हमें कई सारे ऑल्ट कॉइन पंप होते दिखे हैं, 100%, 200% तक। जी जी हाँ दोस्तों। तो लेकिन अगर ये इस लेवल को फेल कर जाता और नीचे की तरफ मोमेंटम लेगा, तो ये क्लियर कट संदेश है कि आने वाले कुछ हफ्ते तो हमारे ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसा मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, वो ऑब्वियसली इस लेवल को टेस्ट करेगा एंड टेस्ट करके ऊपर जाएगा, तो ये येलो लाइन को टेस्ट करेगा। अगर इनकेस इससे भी पास कर जाता है, तो ये वाला लेवल अब इसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देगा। तो इस लेवल में हमें आने वाले कुछ घंटों में टेस्ट करते हुए दिखेगा बार बार, और नजर बना के रखिएगा। चार्ट मैं हमेशा टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ आप लोगों को। एंड ये अगर इसके नीचे जाके फेल होता है, तो गुड न्यूज है जी। चलिए, इसका तो हो गया अपडेट। और मैकडी और RSI अभी फिलहाल अच्छा दिख रहा है, लेकिन लेकिन ये कब तक अच्छा दिखेगा? मैंने बोला जो भी लेवल टेस्ट करेगा, उसके बाद असल में इसका फिगर पता चल पाएगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ से या नीचे की तरफ आएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑल्ट कॉइन थोड़े दिनों के लिए हमें और वेट करना पड़ेगा। अगर नीचे जाता है, तो ऑब्वियसली आने वाला कुछ दिन ही काफी होगा। अब दोस्तों चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही डोमिनेंस लेवल आवरली चार्ट पे पहले मैं ले जाता हूँ, आवरली चार्ट पे जैसे ही बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम लिया, अब देखो क्या हुआ, इसने 20 EMA टेस्ट कर रहा है कंटिन्यूसली। पहले नीचे की तरफ बना था, अब उसके ऊपर बैठ गया। तो अब ऊपर 100 EMA है, इतना आसान नहीं है तोड़ना। तो क्या ये यहाँ से पास होगा या फेल होगा? मैकडी देखो तो ग्रीन बन रहा है, RSI देखो तो ऊपर जा रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर ये इसके ऊपर जाता भी है, तो ये वाला जो जोन है ना 100 EMA का और 20 EMA का, ये इसको धीरे धीरे भले ये ऊपर जाए, लेकिन इस लेवल से हमें हैवी रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि 37,000 के अराउंड में है। और मैं बताना चाहूंगा, कल मैंने आपको बता दिया था इसी लेवल पे था कि ये नीचे जाएगा 33,000 के आसपास, 33,800 के आसपास आज टेस्ट करता हुआ दिखा हमें कुछ पर्टिकुलर आवर्स में। और क्योंकि मैं यहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ है, तो यहाँ से बाउंस बैक कर गया। मैं वापस से 4 आवर के चार्ट पे लेके जाता हूँ। 4 आवर के चार्ट पे आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 EMA का कितना अच्छा सपोर्ट मिला है। अब इसे 20 EMA जो है वो ऊपर जाने नहीं देगा, एंड कहीं ना कहीं ये यहाँ से फिर से नीचे की तरफ जा सकता है। अगर इनकेस ये इसके ऊपर जाता भी है दोस्तों, तो ये लाइन को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा बिटकॉइन के लिए।
और मुझे दिख रहा है कि ये फिलहाल नीचे जाता हुआ, नीचे अगर जाता है तो अगला टारगेट आपको पता है, मैं डेली की तरफ फिर से बता देता हूँ, अगला टारगेट जो होगा 4 आवर के चार्ट पे वो ऑब्वियसली फिर से 33,000 के अराउंड में होगा। अगर उसे ब्रेक करता है तो 30,000 के अराउंड में जाते हुए दिख सकता है। 30,000 पे बहुत हैवी रिजेक्शन अगर मिला और डायरेक्ट डाउन गया तो ऑब्वियसली हमारा अगला टारगेट जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली जो है 26,000 के आसपास बना हुआ है दोस्तों। अगर ये, लेकिन यहाँ पे 30,000 वन किक के साथ नहीं फेल होगा, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है और लास्ट टाइम यहीं से पंप पंप होके ऊपर की तरफ गया था और फेल हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये नीचे धीरे धीरे जाएगा, 20 और 100 EMA के साथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत ग्रीन मोमेंटम दिखा भी तो 37,000 के आसपास हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा बिटकॉइन। अब चलते हैं दोस्तों इथीरियम के BTC के चार्ट पे। इथीरियम के BTC चार्ट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं काफी दिनों से आपको इस चार्ट पे फॉलो करा रहा हूँ, और आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गया था पिछले 1-2 दिनों में, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया था कि काफी बुलिश है और अगला टारगेट जो है ऊपर जाता है तो 0.04 BTC का एक इथेरियम हो जाएगा, और फिलहाल जो है ये काफी क्रिटिकल जोन कंटिन्यूअसली टेस्ट कर रहा है 20 EMA। 20 EMA फेल हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, अगर फेल होता भी है दोस्तों तो ये वापस से इस जोन को टेस्ट करेगा, और यहाँ पे 100 EMA ऑलरेडी मूव होके आ चुका है, तो इतना आसान नहीं होगा इस लेवल से नीचे गिरना BTC चार्ट पे। ऑल दो हमारा MACD रेड बना हुआ, RSI नीचे की तरफ आ रहा है, तो दीज आर द टेम्पररी फेज, हमें हो सकता है थोड़ा सा ऐसा करेक्शन दिखे फिर उसके बाद अगला लीप ले, जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ऊपर गया फिर हल्का सा लिया फिर 100 यहाँ पे इसका लाइन का सपोर्ट मिला और ऊपर चला गया, वैसे ही कुछ हल्का सा आपका देखने को मिल सकता है जब तक ये होगा 100 EMA ऊपर आ जाएगा, और उसके साथ ही ये फर्दर हमारे टारगेट को रीच करने के लिए जाएगा। अगर ऐसा नहीं करने में कामयाब होता है तो ऑब्वियसली 20 EMA टेस्ट फेल होता है, तो अगला जो जोन होगा 0.032 BTC के अराउंड में टेस्ट करेगा, वहीं पे हमारा 100 EMA भी 1-2 घंटे में आ जाएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर इन केस बहुत हैवी डंप देखने को मिलता है तो फिर से अगेन हमारा यहाँ पे टेस्ट जो है बहुत आसान नहीं होगा, बिटकॉइन आसान नहीं होगा इथेरियम के लिए नीचे जाने के लिए, इतना आसान नहीं होगा नीचे जाना, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली बहुत छोटे से लेवल पे बहुत सारे EMA और ये जो पैटर्न बना रहा था वो टेस्ट होगा, तो अगर इन केस अगर नीचे जाता भी तो इस लेवल से हमें ऊपर जाते हुए दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं आपके फेवरेट चार्ट इथीरियम के USD चार्ट पे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा और आप देखो नीचे जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखो यहाँ पे जैसे ही MACD जो हमारा जो बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट आज हल्का सा बढ़ते हुए दिखा हमें इथीरियम में, देखो आप क्या हुआ है, थोड़ी देर के लिए नीचे गया फिर उसके बाद अभी 20 EMA टेस्ट कर रहा है, और मैंने आपको कल बोला था कि लगभग 1300 से ऊपर हमें टेस्ट करते हुए दिखेगा, और आज जो इसका पीक गया था वो 1298 गया था। क्या हमारा ये टारगेट इनवैलिड हो गया? जी नहीं दोस्तों, अभी अगर बात करूं MACD ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है, RSI ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज ऊपर जा रहा है इथीरियम के USD चार्ट पे, और इथीरियम हो सकता है रीटेस्ट करते हुए बार बार ऊपर की तरफ जाए, और अगला टारगेट जो ऊपर की तरफ होगा $1335 के अराउंड में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन आवर, $1335 से $1337 के आसपास होगा, और वहीं जो नीचे का अगर टच भी करता है तो 100 EMA इसे बहुत अच्छा सपोर्ट देगा, जो कि $1161 पे है, और उसके ठीक नीचे हमारा जो लॉन्ग टर्म जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लाइन बना हुआ है वो आसान नहीं होगा, लगभग वो बना हुआ है अभी भी $1153 या $50 के आसपास, तो सपोर्ट यहाँ पे बहुत अच्छा है। ऑल दो 100 EMA इसके ऊपर आ चुका है, तो मेरा मानना है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा और कहीं ना कहीं इस जोन को टेस्ट करेगा। अगर इस जोन को टेस्ट करके ऊपर चला जाता तो ऑब्वियसली हमारा ऑल टाइम हाई जो होगा वो टेस्ट करेगा इथीरियम USD के चार्ट पे, जो कि है $1450 पे। ये तो हुआ दोस्तों ओवरऑल बिटकॉइन और इथीरियम का टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे। बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल पे मैंने बता दिया, थोड़ी देर के लिए हो सकता है मैं ऑल्ट कॉइन में थोड़ी देर के लिए ऑल्ट कॉइन में जो ग्रीन मोमेंटम देखने को मिला था वो शायद उतना ना मिले और वो करेक्शन ले, क्योंकि ये अभी 10 EMA और 20 EMA कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा है 1 आवर के चार्ट पे बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल। अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जाता है तो ऑल्ट कॉइन में करेक्शन आएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, वहां से हमें हैवी रिजेक्शन देखने को मिलेगा और ये वाला जोन जो है ना बहुत टेस्ट करेगा, हो सकता है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट करे, इस बीच में ऐसा भी हो सकता है मार्केट काफी बोरिंग हो जाए, बिटकॉइन ना ऊपर जाए ना नीचे जाएगा, अगर ऐसा होता है तो भी ऑल्ट कॉइन पंप होंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो पैटर्न बन रहा है थोड़ी देर के लिए करेक्शन आ सकता है, जैसे आज सुबह का जो पहला पार्ट था उसमें ऑल्ट कॉइन काफी तेजी से ऊपर गया था, वही सेकंड पार्ट में आप देखोगे यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जैसे ही गया पिछले 5-6 घंटों में, तो हमें थोड़ा सा मोमेंटम ऑल्ट कॉइन में स्लो डाउन होते हुए दिखा, तो ये नॉर्मल पैटर्न है दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, और मैं बताना चाहूंगा कि इस जोन में एंट्री लेगा और रीटेस्ट करके कंफर्म होगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा कि ऑल्ट सीजन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया मेरे चार्ट एनालिसिस। इसके अलावा दोस्तों मैं आज एक क्विक अपडेट आप लोगों को देना चाहूंगा, कुछ लोगों का ना टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आया था टीथर के बारे में, जी हाँ टीथर का फट शुरू हो गया, ऑल्दो मैंने जो दिन में आप लोगों को टॉप 100 कॉइन का जो क्विक रिव्यू बताया था उसमें उसी में मैंने आपको बता दिया था कि यार टीथर का ना स्टोरी में कभी टाइम मिलने पर बताऊंगा, लेकिन शाम होते होते वो न्यूज हल्का सा फट आना शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, डिटेल में किसी और दिन बताऊंगा। तो यार कुछ ऐसा न्यूज चल रहा है कि USDT को रेगुलेट किया जाएगा और इस वजह से मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है,
मैं बताना चाहूंगा, जो लोग ना मार्केट में पहले बहुत दिनों से हैं उनके लिए कॉमन सा न्यूज है, और ये हर बुल रन में कम से कम 2 या 4 बार आएगा ही आएगा। जब भी बुल रन स्टार्ट होता है यही होता है, और जब बुल रन खत्म होता है तो भी ये होता है। तो इससे ज्यादा घबराना मत, घबराना मत। और अगर यूएसडीटी कभी भी किसी भी न्यूज की वजह से आधे रेट में चला जाए, तो पता है ना यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है, मतलब 1 डॉलर ही रहता है, लेकिन जब खराब न्यूज आता है ना तो आपको यूएसडीटी हो सकता है 1 डॉलर में ना दिखे बिकते हुए, आपको दिखे 0.70, इनफैक्ट 30% डाउन हो गया था लास्ट बुल रन में, मुझे याद है। और कई लोगों ने एग्जिट ले लिया था, औने पौने दाम पे बेच के निकल गए थे, और ठीक 4 या 5 या मैक्सिमम 4 वीक आई गेस, जितना याद है मुझे, 4 वीक के बाद वो वापस से 1 डॉलर पे आ गया। तो क्या हुआ, जिन्होंने अपना यूएसडीटी होल्ड करके रखे थे उन्होंने बेचा लॉस में, 30% के लॉस में, और कई लोग जो थे इस अपॉर्चुनिटी को बनाए थे, उन्होंने यूएसडीटी औने पौने दाम में उनको मिल गया 30% बिलो रेट में, और लगभग 4 वीक के बाद उनका फ्री फंड में 30% पोर्टफोलियो बढ़ गया। तो आपके पास पहली बात तो यूएसडीटी में रखना नहीं, और यूएसडीटी में अगर है भी और अचानक से ऐसा कोई न्यूज आ गया और आप यूएसडीटी होल्ड कर रहे हो, यार फंड के चक्कर में ना पौने पौने दाम पे मत बेचना, मैं पहले बता रहा हूँ। मुझे बस यही बताना था, इसका डिटेल एनालिसिस जो है ना मैं लेके आऊंगा किसी दिन। अभी ये बुल रन का शुरू हो गया है, और मैं आज उस वीडियो में भी बोला था कि जो इसके बहुत सारे स्टेबल कॉइन है, जैसे कि आप देखोगे अगर बाइनेंस पे हो गए तो BSUD करके बाइनेंस का खुद का स्टेबल कॉइन है, ऐसे ही बहुत सारे स्टेबल कॉइन है, हर एक एक्सचेंज का अलग अलग होता है। यूएसडीटी जो है बिटफिनिक्स का है, और इससे बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हुआ था लास्ट बुल रन में। तो यार एज सच कभी भी कोई न्यूज आए ना, मैं बस इस चीज को बस आप लोगों को मुझे बताना था, औने पौने दाम पे मत बेचना यूएसडीटी। आपने अगर 70-80 रुपए जो भी आपको एक्सचेंज पे मिल रहा है उस रेट पे लिया है ना, तो अगर मान लो तुरंत आपको 30% डाउन दिखता है किसी भी न्यूज की वजह से, ये मत सोचना, घबराना नहीं कि यूएसडीटी जीरो हो जाएगा, यूएसडीटी चला जाएगा, ये बस एक मैनिपुलेशन है जो हर बार मार्केट में होता है। और मेरा काम है आप लोगों को अपडेट देना कि आप लोगों को मैनिपुलेशन से बचाऊं, इसीलिए जो भी लोग मेरे साथ बने रहोगे डेली में कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज, जैसे मुझे पता चलेगा हिंट मिलेगा मैं आप लोगों को एडवांस में बता दिया करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, ठीक है, अभी तक नहीं किया तो कर दो यार, ठीक है। तो ये मुझे बस क्विक अपडेट देना था, इसके बारे में कोई सीरियस होने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग ना, मैंने अभी तक अगर मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं देखा है, जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक करो। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्विकली क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या कहता है। क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप देखोगे ना, मैंने आपको बताया था कि ये कंटिन्यूसली ऊपर बना हुआ था, आज देख लो आज 79 पे गिर गया, और वहीं पे अगर यहाँ पे बात करूँ तो उस दिन 78 पे गया था, फिर ऊपर गया 83 पे, फिर 88 पे, फिर 84 पे और 79 पे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है फॉल सीजन के बारे में। बाकी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में हर मैं ट्राई करता हूँ हर रोज अपडेट करने के लिए, जो नए यूजर उनको मैं बस बता दूं मार्केट में फियर का माहौल है या ग्रीड का माहौल है, ये इसमें ओवरऑल जो है आपको अपडेट मिलता है। और ये जितना नीचे जाएगा लेवल, मतलब नॉर्मलाइज होगा, उतना अच्छा है ऑल्ट कॉइन के लिए, और जितना ये बुलिश होगा उतना ही ज्यादा बिटकॉइन जो है वो काफी ज्यादा सर्ज होगा। ओके, तो ये आज का लेवल जो है अच्छी बात है ऑल्ट कॉइन के लिए, काफी दिनों बाद फिर से नीचे गया था और आज फिर से रिटेस्ट कर रहा है 79 का लेवल, जो कि अच्छी बात है। अब मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ बिटकॉइन का एक नया चार्ट। जी हाँ, एक नया चार्ट जो आज तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, इसे कहते हैं एनवीटी पैटर्न। ये वाला जो ग्राफ देख रहे हो ना, एनवीटी बिटकॉइन के ग्राफ के साथ में, ये एनवीटी का पैटर्न है और ये एचवी का है, ठीक है। ओके, मेरे को ना ये ग्राफ आपको बस समझाना है क्विकली, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये ना यहाँ पे अब देख रहे हो रेड जोन में बना हुआ है, ध्यान से देखो रेड जोन में बना हुआ है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये वीकली चार्ट है। ओके, पहली बात तो वीकली चार्ट पे मुझे लग रहा है कल, क्योंकि नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो हमें अगर ये वीकली चार्ट पे व्हाइट होते हुए दिख गया ना दोस्तों, अगर ये व्हाइट होता है तो मान के चलना कि 20 EMA टेस्ट होगा, और वो कितना है, 21 EMA कह लो, 21 EMA टेस्ट होगा, वो है अभी 21,600 के आसपास। पास्ट में ऐसा कभी आप देखोगे रिसेंट हिस्ट्री में, जब भी ये रेड में गया है ये ऊपर की तरफ गया है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, ओके। एंड उसके बाद जब भी व्हाइट हुआ है चार्ट पे, उसके बाद ड्रॉप देखने को मिला काफी शार्प, यहाँ पे भी देख लो छोटा सा है, इसको व्हाइट से रेड होने होने को कुछ पैटर्न चाहिए होता है, वो यहाँ पे हुआ है, उसके बाद देखो थोड़े दिन के लिए मार्केट ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से फेल हुआ। ऑल्दो ये हमेशा अप्लाई नहीं होता एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं एक ना सिंबल है, सिग्नल है, एंड ये हमें ना चार्ट पैटर्न जब बन जाता है ना उसके बाद अपडेट होता है। तो मतलब ये हमें एडवांस में नहीं बता रहा है, जब भी ऐसा कुछ डाउनफॉल दिखने को मिलता है उसके बाद ऐसा जो व्हाइट वाला सिनारियो है वो अकर्ड होता है, और व्हाइट जब भी हुआ है चार्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम डंप हुआ है बिटकॉइन, ठीक है। तो कल का देखेंगे स्टेटस कि ये चार्ट पे क्या हुआ, अगर रेड होगा तो मैं तो नहीं शेयर करूंगा, अगर ये कहीं पे भी मुझे व्हाइट दिखा ना मैं आपको शेयर करूंगा ये चार्ट टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे व्हाइट हुआ, कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा था, फेल हुआ, नीचे गया, बहुत शार्प गया डिक्लाइन, और फिर उसके बाद ऊपर आके ये आपका 20 EMA टेस्ट करके एक बूम लिया, ग्रीन हुआ। अब ये एग्जैक्ट होने के बाद होता है इसमें कन्वर्ट, ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा इस चार्ट के लिए। तो यहाँ पे देखो ये कैंडल जैसे ही यहाँ पे था व्हाइट से रेड हुआ,
ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो इसका डीप था, तो डीप हम पता नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमें सिग्नल मिल गया रेड का, और रेड हुआ वैसे ही देख लो क्या हुआ, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे देखो, हल्का सा व्हाइट हुआ और देखो शार्प डाउन गया, ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रीन हुआ, फिर ऊपर गया। तो ये पैटर्न ना थोड़ा बहुत सिग्निफाई करता है, मैं एग्जैक्ट पैटर्न देखूंगा और भी, अगर इसके पास्ट में ऐसा कुछ मोमेंटम हुआ तो मैं रिलेट करके आपको समझाऊंगा। बस कहने का मतलब ये था कि ये शायद ऐसा चांसेस है कि कल ये व्हाइट की तरफ हो, और अगर ऐसा होता तो उसका सब्सिक्वेंट जो वीक होगा ना, वो 20 MA टेस्ट करने के लिए जरूर जाएगा। अब ये 20 MA टेस्ट अब भी बना हुआ है 21,000, लगभग 21,000 से ऊपर, हो सकता है जब तक ये नीचे जाए, हो सकता है 21 EMA जो है हमारा 23,000 के आसपास आ जाए, 24,000 के ऊपर आ जाए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन टाइम। तो ये मुझे बस बताना था आपको कि ये भी एक चार्ट पैटर्न है जिससे हम ना थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकते हैं आने वाले मोमेंटम को। तो फिलहाल के लिए तो रेड में है, कल का चार्ट जो है ना जब ओपन होगा तो ये व्हाइट रहता है या रेड होता है, इसके ऊपर मैं आपको शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दोस्तों अब ले लेते हैं क्विकली कुछ क्वेश्चन, जो मुझे ना बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं टेलीग्राम पे, ठीक है, और जो टेलीग्राम पे बेसिक क्वेरीज आ रहे हैं मैं उनको बस रेंडमली चूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है आंसर देने के लिए। तो अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे तो जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, बेनिफिट मिलता है टेलीग्राम चैट पे, कई बार मैं खुद आ जाता हूँ लाइव और आप लोगों को रिस्पॉन्ड करता हूँ। पॉसिबल नहीं है हर टाइम हर क्वेश्चन का आंसर देना, बट कई लोगों को शायद मेरी टाइमिंग पता चल गई है तो वो उस टाइम में ऑनलाइन आ जाते हैं। एनीवे तो मैंने ना दिन भर देखा है कि काफी सारे बेसिक क्वेश्चंस आते रहे हैं, एंड इनफैक्ट आज ना ट्रेडिंग जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग का फंडामेंटल, उसका जो मेरा पोर्टफोलियो था डिजाइन से लेके आज उसका सेकंड वीडियो अपलोड किया था, कि जिसमें मैंने डेमो दिया था कि कैसे आप लॉस कराते हो अगर आप INR या USDT में प्रॉफिट बुक करते हो। अब उस वीडियो में मैंने मतलब कहीं पे ये चीज नहीं बोली है, लेकिन लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं और इसीलिए मुझे ना टाइम लग जाता है वीडियोस को ना, लंबे लंबे वीडियोस मेरे हो जाते हैं, क्योंकि मैं आज कहीं ना कहीं कोशिश किया था शॉर्ट में बता दूं, और आज के वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं, और वो उल्टा समझने के बदले उल्टा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं क्विकली मैं जवाब ले लेता हूँ, जो बेसिक क्वेश्चन जो मुझे ओवरऑल मोटा मोटा समझ में आया, एक क्वेश्चन सबका कॉमन है। अब मान लो किसी को आज के डेट में इथीरियम खरीदना है, तो सर वो क्या करे, वो पहले बिटकॉइन खरीदे, फिर उसके बाद बिटकॉइन से इथीरियम खरीदे? तो यार मैंने ऐसा कब कहा आप लोगों से यार, शब्दों को मैंने तो मतलब ऐसा कोई शब्द भी नहीं यूज किया जहां तक मुझे याद आ रहा। अगर आप ना आपको वीडियो में कोई भी जो इंस्टेंस हो जहां पे आपको लगा हो, तो वीडियो का पार्ट मुझे बताइएगा, कौन से पार्ट से आपको लगा कि ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने बार बार बोला कि प्रॉफिट बुकिंग जो है ना वो करना, प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या है, जब सेल करते हो तो लोग अभी क्या दिमाग में आता है कि यार $2 का है खरीद लेता हूँ, $3 का होगा बेच दूंगा, बेचते किसमें, डॉलर में या फिर INR में। तो मैं ये मेंटेलिटी बताना चाह रहा था, और उस वीडियो में एग्जैक्टली बताया कि अगर मेरा मेंटेलिटी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब मेरा वाला जो जो बिटकॉइन बुल रन में जो होना चाहिए स्ट्रेटेजी, अगर वो फॉलो करोगे ना बुल रन में, तो आप लगभग 50-60 गुना ज्यादा कर पाओगे एज कम्पेयर टू जो आप अभी का स्ट्रेटेजी आपका, ठीक है। तो अब मान लो आपके पास, आपको इथीरियम लेना है, मैंने नहीं बोला यार इथीरियम लेना है तो आप, और आपके पास INR है तो आप जाके पहले वो खरीदोगे, जी नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैंने बोला आपको कि जब भी बेचना हो तब आप करना उसमें सेल, बैंक अकाउंट में मत डालना, या फिर एक्सचेंज में USDT फॉर्म में INR में रख के कोई फायदा नहीं आपको, ठीक है, ये बोला। तो आपको अगर इथीरियम लेना और आप इंडियन एक्सचेंज पे और आपके पास पैसे INR में है, तो INR में इथीरियम ले लो यार, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बोला कि इथीरियम यार लोकल एक्सचेंजेस पे कम मतलब मैनिपुलेटेड रेट पे मिलते हैं, तो उसका रीजन तो आपको पता ही होगा, जो लोग पिछले 2-3 हफ्ते से बने हैं उनको पता चल गया होगा, मैं बार बार रीट्रेट नहीं करूंगा, मैंने वीडियो में भी बताया था आपको। तो उसके लिए क्या करना है, आपको USDT में कन्वर्ट कर लो, BTC में कन्वर्ट कर लो, दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफर कर लो, फिर उसके बाद आप अपना गेम खेलो, ठीक है। USDT में कन्वर्ट करोगे तो ये रहेगा हमेशा $1 में ही रहेगा वो हमेशा वैल्यू, लेकिन USDT में खरीद के ना होल्ड मत कर लेना USDT में, ठीक है। मैं ये कहने का मतलब है कि जब भी तुम्हें खरीदना हो तो खरीद लो, जब बेचो ना तो उसे यार INR में मत बेचो, अपना नुकसान करा रहे हो, मैं ये बोलूं, उसे USDT में मत बेचना, अपना नुकसान करा रहे हो। अब एक क्वेश्चन और आया था कि मुझे जहां तक याद आ रहा है YouTube पे कोई कमेंट था या फिर टेलीग्राम पे था, कि पर्टिकुलर करेंसी के बारे में था। अरे दुनिया की कोई भी करेंसी हो, कोई भी फियट करेंसी, अपनी हिस्ट्री गूगल कर लीजिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए INR का दिया, एग्जाम्पल के लिए USD के लिए दिया, अब आप USD के बदले कोई और यूज कर लो, आप यूरो यूज कर लो, यूरो भी गिर रहा है, दुनिया का कोई भी करेंसी नहीं है जो गिर नहीं रहा है। मेरा कहने का मतलब है ना यार, इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम अपने घर पे तो ये चीजें यूज नहीं कर पाओगे, अभी इतना एडवांस तो हुआ नहीं, आएगा 10-15 साल बाद वो कॉमन हो जाएगा कि आपको घर घर भी मिलेगा बिटकॉइन में, ठीक है, कॉमन हो जाएगा, डोंट वरी, बट अभी तो नहीं है, तो अभी तो INR में ही निकालना है, या फिर आप जिस भी कंट्री में हो, जो भी करेंसी चलता है वही उसी में निकालोगे, तो ठीक है। आप प्रॉफिट बुकिंग जब आपने टाइम दे दिया ना, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा होने के लिए 1 साल का टाइम दिया ना, मेरे साथ बने हो ना 9 महीने या 10 महीने 11 महीने, जितने भी दिन का बुल साइकिल बचा हुआ, इस ड्यूरेशन में ना बैंक में मत डाल लेना, एक्सचेंज पे INR में कन्वर्ट करके मत रख लेना, अपने लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके मत रख लेना, USD में रख करके मत रख लेना। रख लेना का मतलब है कि लंबे टाइम तक मत रख लेना, आप टेम्परली अगर आपको कुछ करना है इधर उधर तो करो ना यार, मैंने थोड़ी मना किया, बस ये याद रखना
कि जब भी बिटकॉइन बढ़ेगा ना, तो आप उसी यूएसडीटी से उतना वैल्यू नहीं खरीद पाओगे जितना आज की डेट में खरीद पा रहे, कहने का मतलब ये है। तो प्रॉफिट बुकिंग ना बीटीसी में रख, बीटीसी में रख, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेरी सबका रिजॉल्व हो गया होगा, अगर फिर भी क्वेरी होना है यार जाके वीडियो के नीचे डालना, मैं लूंगा एक एक करके। अच्छा, अब कुछ लोगों के आ रहे हैं कि यार मैंने ना आज आप लोगों को क्विकली दिया था, क्यों दिया था, मेरा जो रिव्यू था टॉप 100 कॉइन ऑल्ट कॉइन जितने भी है एक्सचेंजेस पे, जो भी जो टॉप 100 ऑल्ट कॉइन है क्रिप्टो मार्केट कैप के बेसिस पे, उनका मैंने रिव्यू दिया, इतना क्विकली दिया, 15 या 20 मिनट में दे दिया। और मेरे वीडियोस क्या होता है, एक एक कॉइन पे 20 20 मिनट का वीडियो होता है, क्यों होता है, उसमें टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ समझाता है। और कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत लोग इसीलिए मुझे सब्सक्राइब किए होंगे क्योंकि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। लेकिन कुछ लोगों को चाहिए क्विक क्विक, मैं यार क्विक तो बनाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, सर आप अपने 5 बना दो, अपने 10 बना दो, अपने टॉप 10 बना। यार मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया, मैं सुबह के वीडियो नहीं देखो जाके देखो, ठीक है, उसमें ऑलरेडी मेरे ख्याल से 8 या 10 कॉइन तो बता रखे मैंने। और वो 10 कॉइन भी ले लोगे ना भैया पोर्टफोलियो में रख लोगे ना, तो इतना कमा के देगा इतना सोच नहीं सकते आप, पोर्टफोलियो ढंग से तो बना लो, ठीक है। अभी कई लोगों का पूछना है सर अब पोलका डॉट बढ़ गया, अब और बढ़ेगा क्या, जाके यार मेरा वो सीरीज देख लो, मैंने कभी पोलका डॉट को शॉर्ट टर्म में बेचने के लिए बोला ही नहीं। आप ट्रेडिंग करो, इट्स योर चॉइस यार, मैंने थोड़ी बोला है ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए अलग से आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, ठीक है आप मैं करो ना ट्रेड, इट्स ओके। आप मैं हमेशा मैं 80% वाले जो पोर्सन है ना, मैं उसकी बात करता हूँ जब भी मैं ऑल्ट ऑल्टकॉइन सजेस्ट करता हूँ। ट्रेडिंग वाले के लिए तो मैं ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा यार, मैं आपसे ऐसे थोड़ी बात करूंगा, शॉर्ट टर्म की बात मैं वीडियोज में करूंगा ही नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ऐसे क्विकली चेंज होता है चीजें, चीजें क्विकली चेंज होती है, तो मैं जब तक वीडियो बनाऊंगा तब तक तो चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करो, जब सिग्नल देने का टाइम आएगा तो बिल्कुल दूंगा, ठीक है। अब कई लोगों का क्वेश्चन है सर सिग्नल कब से स्टार्ट करो, सिग्नल कब से स्टार्ट करो, अरे यार बेसिक तो समझा दूं, छोड़ दूं मैं बेसिक समझाना, आप बता दो मुझे, बेसिक छोड़ दूं और सीधा सिग्नल देना शुरू कर दूं, तो मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए। बेसिक क्वेश्चन लोगों के हैं कि एक्सचेंज पे रजिस्टर कैसे करना है, एक्सचेंज पे यूएसडीटी पेयर में या एनआर पेयर में या फिर बीटीसी पेयर में कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, बाइनेंस का हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे एक्सचेंज यूज करें, क्या चाहते हो मैं उन लोगों को सीधा सिग्नल दे दूं, यार अपना लॉस करा लेंगे यार, क्यों नहीं समझते हो, आपको बहुत फास्ट करना है यार, अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है कि भागा जा रहा है, इट्स ओके यार, बहुत सारे लोग हैं जो दे रहे हैं। मेरा मकसद यार उन सभी नए लोगों को, नए लोगों का साथ नहीं छोड़ना है, एक बार वीडियो बना दूंगा फिर उनको भी मैं यही कहने वाला हूँ जाके वीडियो देखो, लेकिन जब तक तो वीडियो नहीं बनाना मैं आप लोग को ट्राई करता हूँ हेल्प करने के लिए, सिग्नल दूंगा यार मैं सिग्नल दूंगा, प्रॉमिस किया है ना, प्रॉमिस किया था ना मैंने, प्रॉमिस तोड़ा नहीं होना, उसी के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ एफर्ट। आप ये भी तो समझो कि यार एक इंसान इतने सारे वीडियो बना रहा है, क्यों बना रहा है, टाइम तो लगता होगा ना, तो यार थोड़ा सा सब्र रख लो, ऑल्ट सीजन भागा नहीं जा रहा, ऐसे ऑल्ट सीजन बहुत आए और बहुत गए, ठीक है। पहले जो आता है ना उसको पक्का करना सीखो, कितने लोग हैं जो अपना अपना पोर्टफोलियो बना लियो, जो जो पोर्टफोलियो बना लियो ना जाके उसी वीडियो के नीचे जाके कमेंट लिखना कि सर आई एम रेडी विद माई पोर्टफोलियो, जो भी आपका बजट है, जो भी आपका जो भी कॉइन लेना है, रेडी नाउ आई एम रेडी टू ट्रेड, सिग्नल दो, जाके वीडियो पे कमेंट डाल, तब मैं सिग्नल दूंगा। ऐसे हवा हवाई थोड़ी करनी है यार, किसी का नुकसान हो जाएगा, चाहते हो कि मेरे चक्कर में किसी का नुकसान हो जाए, यार मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। फिर देखो मैं सब कुछ कर दूंगा आपको, सब कुछ पढ़ा के लिखा के सब कुछ भेज दूंगा, लेकिन ट्रेडिंग तो आपको अल्टीमेटली खुद ही करना, आप वहां पे हार जाओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब बेसिक ही क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो रहे तो मैं कैसे कर दूंगा स्टार्ट। और मैंने उसी दिन अनाउंसमेंट में ही बोल दिया था कि यार 1 वीक तो मैं पूरी तरह से आप लोग शांति बनाए रखूं, मैं ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा, मैं भी स्ट्रेटेजी सोच रहा हूँ कि कैसे दूं कि पंप डंप ना हो कॉइन, कि मैं ऐसे बोलूँ ग्रुप में और 600 के 600 लोग जितने भी ग्रुप में सब लोग एक साथ खरीदने लगे, है ना, उसी का सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ आप लोगों के फायदे के लिए। यार टाइम चाहिए यार मुझे भी, है ना, मैं फुल टाइम में नहीं कर रहा हूँ यार, आप लोगों के लिए बस आया हूँ चैनल पे कि यार आप लोगों का कुछ भला हो जाएगा, और साथ में यूट्यूब बाबा की कृपा हुई आने वाले टाइम पे तो भला हो जाएगा मेरा भी थोड़ा बहुत, है ना, आप लोगों से मैंने डिमांड किया कभी कुछ, यार थोड़ा सा सब्र रख लो। जो लोग पैसे लेके सिग्नल देते हैं ना उन पे प्रेशर बनाओ यार, ऐसे मेरे पे प्रेशर नहीं बना सकते यार, मेरे को ना सबको लेके चलना है, सबको लेके चलना है। ऑब्वियसली मैं एक बार कंपाइल कर दूंगा वीडियो, तो ये जैसे डेली आता है ना सर ये कॉइन बता दो, अरे वो कॉइन ऑलरेडी बने हुए हैं जाके चेक करो, ठीक है। चलो ये FAQ है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो भी होते हैं वो मैं बताने वाला, इतना लंबा हो जाएगा वीडियो तो चलेगा नहीं। अगला यार कि एक्सचेंज नहीं आता यूज करना, वॉलेट नहीं आता, तो मैं बता दूं मैंने आप लोगों को बोल रखा है पहले भी कि मैं बताऊंगा, ट्यूटोरियल ला रहा हूँ शॉर्ट में बताऊंगा, तो एक्सचेंज का सूट मैंने ऑलरेडी कर लिया है कि एक्सचेंज पर रजिस्टर कैसे करना है और बेसिकली KYC वगैरह कैसे करना, सारा बना लिया, कंपाइल करने में टाइम लगेगा यार, ठीक है, कल एक्सपेक्ट करो वीडियो हो जाएगा, आ जाएगा, अब वो शाम तक भी आ सकता है, कल मेरा वर्किंग डे है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, ठीक है मंडे में। और दूसरा है कि सर फंड कहाँ पे रखे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसने भी पूछा था यार टेलीग्राम पे, फंड एक्सचेंज पे रखे या फिर कहाँ पे रखे, तो मैं अभी ना आपको क्विकली जवाब दे देता हूँ, लेकिन आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो मैं ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूंगा सेपरेटली, बहुत लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी के लिए 2 3 दिन और रख लो यार एक्सचेंज पे, ठीक है वीडियो आ जाएगा 2 3 दिन में। अगला क्वेश्चन है सर ट्रेडिंग कैसे करना, मैं दूंगा भाई, एक बंदे का सजेशन था सर, आप मतलब कुछ तो था आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने लिखा था सर आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके मुझे बता दीजिए समझा दीजिए, यार मैंने आपके लिए पूरा अकाउंट खरीद लिया 22,000 का, है ना, चलो 2 3 हजार रुपये और कर दूंगा,
आप लोगों को डेमो दे ही दूंगा यार। लेकिन यार मेरी मेरे जेब से जाती हैं चीजें यार। मेरे पास कोई, मैं करोड़पति नहीं बनाऊंगा, भले पोर्टफोलियो का सक्सेस फॉर्मूला दे दिया हूं, मैं करोड़पति नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ यार, बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र रख लो, इसी वीक सारा कुछ बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र रख लो, टाइम के साथ आएगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट और मेरा पोर्टफोलियो। भाई मैंने पूरा पूरा फॉर्मूला दे दिया, मंत्रा दे दिया, पाइथागोरस का थ्योरम दे दिया। अब तुम बोल रहे हो कि मेरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो बताओ मैं कैसे लगाऊं, कैसे अप्लाई करूं। यार आपकी एक्स की वैल्यू आप जानो, आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा आप जानो, आपका बजट आप जानो, आपका गोल क्या है आप जानो। थोड़ा रियलिस्टिक होके गोल लेना, ठीक है। अब ये नहीं कि यार मैं ना 100 रुपये लगा रहा हूँ और मुझे 1 करोड़ बनाना है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और मैंने पूरा वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कितना कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने, अगर मेरे फॉर्मूले से चलोगे तो आराम से आपके 20 से 20, कितना मुझे याद भी नहीं, अगर निकालते भी रहोगे तो भी 10 बिटकॉइन बन जाएगा 300 दिन में, जो मैंने बताया था वीडियो में, जाके देखो। आपको 10 बिटकॉइन बनाना है क्या, तो अपने बजट के हिसाब से करो ना। आपको सिर्फ हाफ बिटकॉइन कमाना है करोड़पति बनने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाफ बिटकॉइन, 0.5 बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर लो, साल एंड होने से पहले करोड़पति बन जाओगे, जो जहाँ पे अभी नहीं बिलीव हो रहा है लोगों को, याद करोगे अगले साल, ठीक है। तो यार ये थे कुछ क्विक क्वेश्चंस जो मुझे काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं बार बार। और यार जो लोग ना टेलीग्राम पे नहीं हो, ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बेनिफिट होता है टेलीग्राम होने पे। अब मेरा क्या ना, मैं यूट्यूब के कमेंट तो पढ़ता हूँ, बट हर बार हर वक्त तो नहीं पढ़ूंगा। टेलीग्राम क्या है, फोन में इंस्टॉल रहता है, मैं कभी भी देख लेता हूँ, बीच में कुछ अपडेट है ज्यादा, आपस में कुछ पिंग पिंग आते रहता है तो मैं देख लेता हूँ। अब मैं रिप्लाई नहीं करूंगा हर चीज का, ठीक है। मैं यार बहुत लोग दिन भर चैट करेंगे, मैं दिन भर थोड़ी बैठा रहूंगा उस पर, है ना। तो मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ, और जो मुझे लगता है कि कंसर्न था, जो ये बेसिक क्वेश्चन से मुझे लगा था कि इसको एड्रेस करना चाहिए मुझे, तो मैंने कर दिया। अब डेली ना मैं ऐसे ही करूंगा, तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो आ जाना, ठीक है। और प्लीज यार जो लोग पुराने बंदे हो यार, टेलीग्राम पे हेल्प कर दो यार, एक दूसरे की मुझे दिखे हैं, एक आध बंदे हैं जो मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो फिर बोलेंगे सर मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। मुझे दिखते हैं बंदे, ठीक है, हेल्प करते हुए, ऐसी बात नहीं। तो जो भी नए बंदे आते हैं यार, हेल्प कर दिया करो उनको। और यही नहीं, यूट्यूब पे भी यार रैंडम जो डुप्लीकेट कमेंट्स होते हैं ना, कि ये बताओ इथीरियम का क्या प्राइस होगा, ये बताओ ये इथीरियम लॉन्ग टर्म में कितना जाएगा, पोलकाडॉट लॉन्ग टर्म में कितना, अरे ये सारे तो मैंने बना दिए हैं वीडियो, अब यही सब जवाब देता रहा हूँ पूरे साल, क्या मैं नहीं दूंगा ना। तो वेट करो, ठीक है, आज का एफएक्यू में इतना ही क्वेश्चन दे पाऊंगा यार, बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो गया। चलो यार अब मिलते हैं कल फ्रेश वीडियो के साथ। लेकिन यार अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया चैनल को। और यार थैंक यू सो मच गाइस, मैंने आप लोगों को बताना भूल गया, कल जो है ना हम लोगों का पूरा 1 महीना हो जाएगा। आई एम श्योर कि आप में से कोई भी मुझसे नहीं जुड़े होंगे, ठीक है, 1 महीना पहले, क्योंकि उस दिन मेरे सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स थे जिनको मैंने जबरदस्ती कहा था कि सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मतलब 18 तारीख को पूरा 1 महीना हो गया था, और उसमें मैंने वेलकम वीडियो बनाया था, जाके वेलकम वीडियो देखो, कितना बोरिंग बंदा लगूंगा मैं, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यार अभी भी है, बहुत ज्यादा कैमरे से डरता हूँ मैं, बस आप लोगों का प्यार है जो बस कॉन्फिडेंस झलकता होगा, अदरवाइज कैमरे से बहुत डर लगता है मुझे, ठीक है। तो कल मैं सोच रहा था लोगो को कुछ डिजाइन करूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए का, लेकिन यार मैंने ब्लॉग तो बना दिया, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया, अगर नहीं देखे हो तो जाके यार चेक कर लेना। उस पर मेरे जितने भी रिकमेंडेड एक्सचेंज होंगे, जितने भी मेरे फ्यूचर के कुछ भी ट्यूटोरियल होंगे, उससे रिलेटेड कुछ लिखना होगा मुझे, तो उसी ब्लॉग पे जाकर लिखूंगा। ब्लॉगर पे बनाने का मकसद एक ही था कि यार फ्री और कभी डाउन नहीं जाता, ठीक है। अब मैं अब होस्टिंग का भी खर्चा करूंगा आप लोगों के लिए, हाँ, तो इसीलिए मैंने ब्लॉगर पे बनाया, फास्ट भी है, सबको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो मैंने सोचा था आज ना लोगो डिजाइन करूंगा, लेकिन मुझे लगा यार ठीक है, 1 मंथ होने पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन मोड था, क्योंकि आपसे मैंने 1000 सब्सक्राइबर मांगा था 1 महीने में, और मुझे आज की डेट में, शायद अभी जिस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ, आई गेस 1900 समथिंग बन गया है, तो मतलब 2000 में कुछ ही संख्या कम है। तो मुझे, आई एम श्योर कि कल सुबह होते होते 2000 हो जाएगा। तो यार थैंक यू सो मच गाइस, और मेरा मन था मैं लोगो डिजाइन जो भी करूंगा शेयर करूंगा कल की डेट में, बट उससे इम्पोर्टेंट है जिस मकसद के लिए जुड़े हैं, तो लोगों को क्या है यार, आप लोगों में से किसी को आता हो तो यार क्रिप्टो इनसाइडर टीए का लोगो डिजाइन कर देना, मेरे को ईमेल कर देना, ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा यूट्यूब के अबाउट मी सेक्शन में, ठीक है। अगर हेल्प कर दोगे तो शायद आपका डिजाइन मैं चूज कर लूँ, ठीक है। एंड अदरवाइज तो ऑब्वियसली विद टाइम मैं बना लूंगा, ठीक है। मेरे को सब कुछ करना है, लेकिन अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि बेसिक चीजें पहले सही करूँ, लोगों का क्या है, ब्रांडिंग का क्या है, ठीक है। नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है यार, ठीक है। क्रिप्टो इनसाइडर टीए फॉलो कर लो सब जगह जाकर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, और तो ब्लॉग का वेबसाइट भी आ गया है, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, जाके चेक कर लेना। चलो यार आज का लंबा वीडियो हो गया, चलो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।